360 देख रहे हैं सारे दर्शकों का यूट्यूब जसवाल की तरफ से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे, बैंक ऑफ कैनेडा ने अपने ओवरनाइट लेंडिंग रेट 1% से 0.75 कर दिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो ओलिवर का इस पर क्या कहना है, बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे आज के शो में। ये दिस इज एन इलेक्शन ईयर, आखिरकार क्या पॉलिटिकल प्रोसेस हो सकता है, कुछ नॉमिनेशंस की चर्चा करेंगे और अगले हफ्ते हम एक स्पेशल नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड भी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ आज उसके बारे में भी शेयर करेंगे। रुक करेंगे उसके बाद सीधा इंडिया की तरफ, बातचीत करेंगे हम वहां पर दिल्ली दरबार की। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियां वर्ल्ड कप के लिए कैसी हैं। इसके अलावा बातचीत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, छोटे पर्दे पर अब उतर आए हैं शाहरुख खान। ऑपरेशन 360 देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं। बातचीत अब हम करने जा रहे हैं, हमारे जो दो खास मेहमान पहुंच चुके हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। एक तो ये बातचीत बड़ी डिटेल में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट रेट्स तो अब कम हो गए हैं, क्या इसके बाद क्या होगा, क्या इसका असर हाउसिंग मार्केट पर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन महंगाई क्या ज़्यादा होगी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नौकरियां जो हैं वो इससे बढ़ेंगी या फिर कम हो सकती हैं, और इसके अलावा इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, बड़ी डिटेल में इसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं हम पंकज मोंगा जी का। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साउथ एशिया। थैंक यू सो मच युधवीर जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। वेलकम। और साथ साथ स्वागत करना चाहते हैं हम मनन गुप्ता जी का। मनन जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू युधवीर जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम। पंकज जी आपके साथ जो शुरुआत करते हैं, मैं तो ये कहूंगा ये आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट कि मैंने ये जो भविष्यवाणी थी वो अनाउंस कर दी थी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जी बैंक ऑफ कनाडा अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा, जबकि काफी इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि नहीं जी नहीं ये बढ़ाएगा, बट समहाउ आई हैड दिस ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि ये उसको कम करेगा। और आगे क्या करेगा उसके बारे में बात बात करेंगे, बट मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी अब इम्प्लीकेशंस क्या है। यही होता है सर, एक्चुअली जो नॉलेज रखते हैं लोग उनको अपने आप अंदर से फीलिंग आ जाती है। सो आपकी भविष्यवाणी के लिए नहीं, इट्स रियली आई वांटेड टू से कांग्रेट्स टू यू, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसको हम भविष्यवाणी ही बोल सकते हैं एक्चुअली, आपके मुंह से निकली हुई बात जो सही हुई है, बहुत लोगों के, कम लोग होते हैं जिनके मुंह से निकली हुई बात सही हो जाए, और कोई भी इकोनॉमिस्ट ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिस कल जैसे ये घटाया गया जब दो तीन दिन पहले जो भी उससे पहले दिन जब ब्लूमबर्ग में जब सर्वे किया गया था, इकोनॉमिस्ट का सर्वे किया जाता है जब भी ये कोई नई कोई भी मॉनिटरिंग पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, चाहे कनाडा, G7, G8 मेजरली देखी जाती हैं, उनकी जब भी कोई मॉनिटरी पॉलिसी या कोई भी रिपोर्ट आने वाली होती है बड़ी, तो उससे पहले इकोनॉमिस्ट की राय ली जाती है भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल सुबह या परसों सुबह जो भी आने वाला है। सो ब्लूमबर्ग के जो सर्वे किया गया, जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बोला था कि कल रेट घट जाएंगे, और ये तो एक सरप्राइज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी था और प्रधानमंत्री के लिए भी था। वो ये कह रहे हैं एक्चुअली, उन्होंने बोला है ये कि उनके लिए भी एक सरप्राइज था। दुनिया को शॉक वेव भेजी है, और अगर ये भविष्यवाणी नहीं थी तो और क्या थी फिर। सो ये आपको कांग्रेट्स, सीरियसली जो आपने बोला वो सच हो गया। और जो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, यस बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इससे, क्योंकि इतना बड़ा स्टिमुलेशन, एक बहुत बड़ा स्टिमुलेशन, ठीक है बहुत लोग कहते हैं ये 0.25 से होगा क्या, 0.25 बिलियन डॉलर्स का इफेक्ट रखता है एक्चुअली, बहुत बड़ा इफेक्ट है क्वार्टर इंटरेस्ट रेट का जाना। अब गिनना शुरू करेंगे तो कौन सा सेक्टर है जो इससे बेनिफिट नहीं होगा, कौन सा सेक्टर है, अलग तरह से इफेक्ट आते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए आप या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ले लीजिए, क्योंकि ये सारे लोन लेते हैं बैंक से, या जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, बहुत कंपनीज जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स और इन चीज़ों से भी करती हैं, मेजर कंपनीज अपने अपने प्रॉफिट्स में से नहीं लगाती हैं, कुछ लगाती हैं और कुछ बैंक से आता है पैसा, सो उनको ये सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट मिलेगा, हमारे अदर पार्ट जैसे घर हैं, जो मॉर्गेजेस हैं, आम आदमी है उसको बेनिफिट मिलेगा इससे। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने एक ये भी की है, क्योंकि अल्बर्टा को ऑयल से नुकसान हो रहा था,
लगभग $10 बिलियन वो कह रहे हैं कि 2015 का उनका नुकसान होगा। वो 2015 का नुकसान तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उनकी हाउसिंग मार्केट जो थी वो हाउसिंग मार्केट पे इफेक्ट आना शुरू हो गया था क्योंकि ले ऑफ्स हो रही थी वहाँ पे। सो उस हाउसिंग मार्केट को भी इन्होंने सस्टेन किया, बूस्ट किया उसको, अगर इतना कम कर रहे हैं तो। और जबरदस्त इफेक्ट किस तरह से आया, हमारा डॉलर रेट गिरा, हमारा डॉलर गिर गया, कहां हम 84 सेंट का फर्क आया उसके बाद 81-82 पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही डॉलर गिरता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे एक्सपोर्ट, इनको फायदा होता है, ओंटेरियो को सीधा सीधा बेनिफिट है, क्यूबेक को सीधा सीधा बेनिफिट है, बीसी को सीधा सीधा बेनिफिट है, हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो इन्वेस्ट करेंगी, टूरिज्म बढ़ रहा है। एक और मेजर चीज़ इसमें आ रही है, अल्बर्टा को भी फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है अल्बर्टा को, क्योंकि जैसे ही डॉलर नीचे गया है यूएस डॉलर में ऑयल ट्रेड होता है, कैनेडियन डॉलर में नहीं होता है। यूएस डॉलर में अगर जो $48 का अगर क्रूड चल रहा है तो ये मान लें कि हमारा तो 56 हो गया वो, क्योंकि हम 80 सेंट पे 120-125 पे। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ है, बिजनेस हाउसेस को काफी फायदा हुआ है, और जैसे पंकज जी बता रहे थे कि एक आम आदमी को भी इसमें काफी ज्यादा फायदा जो है वो होता नजर आ रहा है। अगर आपने वेरिएबल मॉर्गेज ली है आपको डेफिनेटली फायदा होगा, अगर आप दोबारा नया घर लेने जा रहे हैं, या अगर आपने फिक्स मॉर्गेज भी लिया है तो अगर रीफाइनेंस कोई कराता है उसको बेनिफिट हो सकता है। लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं, अगर आप ऑटो कोई फाइनेंस करवाने जा रहे हैं, हर चीज जो है वो इससे इंपैक्ट करती है। इसके अलावा रियल स्टेट मार्केट जैसे पंकज जी बता ही रहे थे, डेफिनेटली उसको तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि जी सिंगल मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, कि सिंगल मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर अगर मुझे गिनना हो, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोकेशन मैटर करती है, डिमांड एंड सप्लाई कही जाती है, उसके अलावा बात करते हैं कि जी फॉरन इनफ्लो कितना आ रहा है, इन्वेस्टर कितना पैसा लगाना चाह रहा है, लेकिन अगर एक फैक्टर पिक करना हो तो आई सर्टनली पिक इंटरेस्ट रेट। तो वही इंटरेस्ट रेट अब कम होता नजर आ रहा है, जिससे कि रियल स्टेट की मार्केट भी अच्छी होती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इससे और ज्यादा जब इकोनॉमी वो होगी, द मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टिमुलस देना इकोनॉमी को, तो क्या वो वाकई मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में बातचीत जरूर करेंगे, और साथ साथ कुछ और फैक्टर्स जो प्रभावित हो सकते हैं इसके साथ, पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस क्या है वो जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात आपसे जानना चाहता हूं अमरन जी, आप क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से बहुत ज्यादा आप रिलेटेड हैं, ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिजनेस सेक्टर वाओ कह रहा है, काम कैनेडियन भी वाओ कह रहा है, बट व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, क्योंकि जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, वो हर चीज जो है वो बड़ी ध्यान से देखती है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, डेफिनेटली कैनेडियन डॉलर की जो सी मेनो वैल्यू में अगर डिफरेंस आता है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, और ओंटेरियो सिंस एक्सपोर्ट रिच प्रोविंस है और ट्रकिंग इज द मेजर फ्रेट कैरिंग मोड, तो उससे ट्रकिंग इंडस्ट्री को तो बेनिफिट होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो डीजल प्राइसेस है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जब तक वो नहीं कम होती डायरेक्ट और यू नो इमीडिएट बेनिफिट ट्रकिंग कंपनीज को नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर जॉब्स बढ़ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूव आती है, तो इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम ट्रकिंग इंडस्ट्री की बातचीत करें तो क्या लगता है कि इस टाइम जो करंट सिनेरियो है इस समय इकोनॉमी का, या ऑयल प्राइसेस जो कम हुई है, तो ट्रकिंग इंडस्ट्री क्या कह रही है, क्या वो खुश हैं पहले से ज़्यादा कि जी अच्छा चल रहा है, वो कह रहे हैं ठीक ही है, या वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं इस टाइम तो काफ़ी नीचे मंदा लगा हुआ है? देखिए फ्रेट वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सो ट्रकिंग इंडस्ट्री इस वक्त खुश है, लेकिन उनकी खुशी उस वक्त कम हो जाती है जब उनको ड्राइवर्स नहीं मिलते, उस फ्रेट को कैरी करने के लिए ड्राइविंग वर्कफोर्स नहीं मिलती। इस वक्त जो ड्राइवर्स हैं, क्वालिफाइड ड्राइवर्स हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज है। सो उस चिंता को दूर करने के लिए सरकार को पहलकदमी करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आएँ ड्राइविंग टेस्ट की, ड्राइविंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ट्रक ड्राइवर की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या अगर हमने इमिग्रेंट्स को ड्राइविंग जॉब्स देनी है तो क्या उनमें वो स्किल सेट है या नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है जी। पंकज आपको ऐड करना चाहिए? मैं ये ऐड करना चाह रहा था अमरन जी, एक्चुअली इस फील्ड में लोग थे पहले, बहुत लोग थे, हुआ क्या कि धीरे धीरे इस फील्ड में इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ, जो बिजनेसमैन है एक्चुअली उसने बेनिफिट की उठाया इस चीज का, जहां एक ड्राइवर चाहिए था वहां दो ड्राइवर खड़े थे किसी जमाने में। सो जिस आदमी को 7000 या 8000 मिलता था, अगर वो यहां से कैलिफोर्निया चक्कर लगाता था, तो दूसरा कहता था अच्छा मैं 4000 में कर दूंगा। सो हुआ क्या कि जो अच्छा पैसा कमाते थे, जो अच्छे लोग थे, वो धीरे धीरे मतलब जो पैसा ज्यादा कमाना चाह रहे थे वो लोग उस फील्ड से निकलने शुरू हो गए, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, और छोटे जो पैसे कम लेके काम करना चाह रहे थे उनको ये मिलता चला गया, काम मिलता चला गया। अब हुआ क्या कि नया इसमें लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम है, अब
अब इंडस्ट्री एक ऐसी हो गई है जहां 7-8 हज़ार कमाया जा सकता है, वहां पे उनको बेचारों को सिर्फ 3,000 या 4,000 ही मिलता है। सो उस केस में क्या हो रहा है कि इस प्रोफेशन की तरफ इंटरेस्ट होना बहुत कम हो गया है। लेकिन अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है, हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है और शॉर्टेज रहेगी, तो ये बांध के चले कि उनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। सो अब पैसा ज्यादा दे के वो दोबारा से आएगा इंटरेस्ट इस फील्ड में दोबारा से, लेकिन अभी टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पैसा, बिजनेसमैन को पैसा ज्यादा देना है, तभी उसमें अब किसी और का इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज जी व्हाई दे वांट टू गो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेगमेंट जरूर पसंद आ रहा होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद बातचीत आपके साथ जारी। एक जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारी प्रीमियर कैथलीन वेन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। सो ये रिपोर्ट कार्ड क्या है, किसको सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं, और साथ साथ कार्बन टैक्स जो लगाने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और फिर रुक करेंगे दिल्ली दरबार। आखिरकार अन्ना के जितने भी साथी थे बट गए हैं, कुछ साथी बीजेपी में चले गए, कुछ साथी आम आदमी पार्टी में चल गए, बैटल ग्राउंड न्यू दिल्ली कौन जीतेगा, और साथ साथ कुछ बॉलीवुड और क्रिकेट की अपडेट्स। एक ब्रेक। मेरी जनानी ने जबरदस्ती पिंगलवाड़े ल्याउण दी जरूरत किवें कीती तुसी? उन्हें कोई मजलूम जानवर नहीं है जो तेरी हवस दा शिकार बनेगी। दिए पिंगलवाड़े दी थी। जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर ऊपर उड़ेगा। सगड़े टाड़िया आवाज बढ़ा रहे। बेवकूफ दिखते नहीं हो पर हो, बाद में उड़ेगा। फेरी टेल, फेरी टेल। चौथी कक्षा 8 बार थे विमान बनाएंगे, हवाई जहाज। सुबह से कोई और मिला नहीं क्या? हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आर्यभट्ट ने दुनिया में सबसे पहले शून्य खोजा था, जीरो। ऋषि कणाद ने दुनिया में सबसे पहले कण खोजा था, एटम। तू मेरे लिए काम करेगा? पर मैंने सुना है कि प्यार में पड़ा आदमी अक्सर अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर जाता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इस घर के नियमों के साथ रहोगे। खुद को बदलो या घर को बदलो। Get out! याद रखना, आपका बेटा हीरा है, हीरा, वो उड़ेगा। These bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। जहाज उड़ाऊंगा ना तो उसके डुक 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 की आवाज में शोर नहीं, फक्त एक आवाज सुनाई देगी, वंदे मातरम। Where do I go for my real estate solutions? Go to the Real Estate Guru. Real Estate Guru? Yes, Remax KPK Sabharwal. He has answers to all your questions. Make the best investment or find your dream home. Let the Sabharwal team help you find exactly what you're looking for. Yaad rahe, real estate ka koi sawal, call Team Sabharwal. 6472994757. 1 lakh rupiya rakh lo. ते मैनू 5 लाख की रसीद बनवा देना। पिंगलवाड़ा दान नाल चलता है। मैं किसी एक तो 1 लाख रुपए लैन नालों 1 लाख लोकां कोलों 1-1 रुपया मंगन नू तरजीह देंगा।
साउथ एशियन 360 देख रहे हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कुछ कार्बन टैक्स के बारे में। और मनन जी, हमें थोड़ा सा बताइए कि ये जो कार्बन टैक्स है वो क्यों लागू किया जा रहा है, इसकी कुछ डिटेल्स बताइए। बिल्कुल ऋतु जी, देखिए कार्बन टैक्स है ये, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ महीनों में गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी, अनाउंस करेगी। कार्बन टैक्स किस रूप में होगा ये अभी डिपेंड करता है, लेकिन कैथरीन विन जो प्रीमियर, उन्होंने जरूर कह दिया है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अगर हमने ग्रीन हाउसेस गैसेस की एमिशंस को कम करना है तो कार्बन टैक्स या कुछ ना कुछ ऐसी जो सा है इम्पैक्ट, चाहे वो कैप एंड ट्रेड हो या कार्बन टैक्स हो, समथिंग वी हैव टू बी वेरी वेरी नाउ बी रेडी फॉर दैट। इसके अलावा मिसिस सागा के वार्ड 4 में एक बाई इलेक्शन होने जा रही है, सो मनन जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। बिल्कुल जी, वार्ड 4 जो मिसिसागा का है उसकी बाई इलेक्शन हो रही है April 27th को, क्योंकि आपको पता है फ्रैंक डेल जो वहाँ से जीत कर आए थे उन्होंने रीजन ऑफ पील की चेयर की पोजीशन अज्यूम कर लिया, तो इसलिए वो वैकेंसी खाली होगी है। सो मिसिसागा के वार्ड 4 की बाई इलेक्शन April 27th को होगी, और देखते हैं कौन नया कैंडिडेट, कौन वहाँ से नया काउंसलर बनकर आता। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि टोरंटो पुलिस सर्विसेज बोर्ड में एक बार फिर से जो चेयरपर्सन है वो दोबारा आलोक मुखर्जी को ही बनाया गया है, और इस बात की हम सारे साउथ एशियन कम्युनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारे नज़रिए में ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी जेंटल, उनके साथ जब भी मुलाकात करने का मौका मिला बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, और जहां हम कम्युनिटी को बधाई देते हैं वहीं हम आलोक मुखर्जी को एक बार फिर से इस बात की बधाई देते हैं। बातचीत अब हम करने जा रहे हैं दिल्ली दरबार की, दिल्ली दंगल की, आखिरकार क्या होगा। बहुत सारे अहम सवाल जो हैं वो हम खड़े करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां बात की जा रही थी कि अन्ना हजारे, उन्होंने ये कैंपेन शुरुआत की जिसमें वो कह रहे थे कि ठीक है जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हम करप्शन को दूर करेंगे। अन्ना हजारे की इस कैंपेन में उस समय सब साथ थे, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें वो भी साथ थे, किरण बेदी भी उनके साथ थी, प्रशांत भूषण भी उनके साथ थे, शांति भूषण भी उनके साथ थे, लेकिन बाद में ये जो कैंपेन काफ़ी आगे निकल गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और एक टाइम पर यह भी कहा जा रहा था कि जो लोकपाल बिल है वो ड्राफ्ट करने में बड़ी अहम भूमिका अरविंद केजरीवाल की रही, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह अचानक फैसला किया कि अब इसको वो एक पॉलिटिकल लड़ाई का रूप देंगे और एक पॉलिटिकल पार्टी वो खड़ी करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब इस पॉलिटिकल लड़ाई का ऐलान किया तो उनके साथ योगेंद्र यादव भी जुड़ गए, शांति भूषण वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, प्रशांत भूषण अगेन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, और काफी सारे लोग इंक्लूडिंग योगेंद्र यादव ये सब साथ में जुड़ गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। उस समय किरण बेदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस राजनीति में नहीं आना चाहती, उन्होंने ना कर दी। बाद में जब हमने देखा कि जहां एक तरफ ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई और 49 डेज के लिए चाहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए, और इसके बाद वीके सिंह जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि अन्ना हजारे कैंपेन में एक तरह समय साथ थे, और जो वीके सिंह है बाद में उनको कैबिनेट मंत्री की पोजीशन भी मिली, और उसके बाद किरण बेदी अब बीजेपी में शामिल हुई हैं, और उसके अगले ही दिन हमने ऐलान सुना कि जी जो शाजिया इल्मी हैं वो भी, आम आदमी पार्टी तो पहले ही छोड़ चुकी थी लेकिन शाजिया इल्मी भी बीजेपी को ज्वाइन कर गई। साथियों, मेरी समझ में जो है वो ये, अगर भारत का इतिहास पक्का बदलना है तो दिल्ली पीछे नहीं रह सकती, दिल्ली पीछे नहीं रह सकती। दिल्ली की हेडलाइन नेगेटिव हो, दिल्ली की नेगेटिव हेडलाइन हो, दिल्ली में तनाव हो, दिल्ली में कन्फ्रंटेशन हो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी हो, हिंदुस्तान के ऊपर हर टाइम कीचड़ फेंका जाएगा, क्योंकि दिल्ली की हेडलाइन इंटरनेशनल हेडलाइन होती है हिंदुस्तान की। हम सब समझते हैं ना, दिल्ली ही सारी मीडिया है, जो दिल्ली में होता है घटिया होता है वो पहली हेडलाइन बन जाता है, एक छोटी छोटी बात भी हेडलाइन बनती है। तो साथियों, अगर हिंदुस्तान को पूरे तरीके से बदलना है तो किसको पहले बदलना होगा, किसको पहले बदलना होगा, और ये इतिहास अब हमारे हाथ में है, हमको इस पन्ने को लिखना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के पहले दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि 30% बिजली के दाम कम करेंगे। आज 7 महीने हो गए बीजेपी की सरकार दिल्ली चला रही है, बीजेपी दिल्ली चला रही है राष्ट्रपति शासन के जरिए, लेकिन उन्होंने 30% बिजली के दाम कम करने की बजाय इन 7 महीनों में बिजली के दाम 2 बार बढ़ा दिए हैं। ऐसा बीजेपी ने क्यों किया है, जनता के मन में प्रश्न उठता है। जहां एक तरफ इल्जाम लगातार लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या वाकई ही दोनों तरफ जो है वो अन्ना के ही आदमी है। अन्ना हजारे कैंपेन जो दोनों तरफ जो लोग थे वो ये बात कर रहे थे कि जी हम इन पार्टीज के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, वहीं जो कल तक
बीजेपी या कांग्रेस को खराब कह रहे थे, चाहे वो वीके सिंह की बात करें, शाजी अलमे की बात करें या खुद किरण बेदी की, आज वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सो मैं तो ये, मेरा तो यही जाती नजरिया है, आई थिंक जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो पॉलिटिकल तरीका है, जो पीसफुल तरीका है, वही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन दिल्ली दरबार में जीत किसकी होगी? क्या मिस्टर माखन, अजय माखन, वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस झंडा फहरा देगी और वो चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या फिर किरण बेदी वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? जनता किस बात से सहमत है ये डेफिनेटली हम आपको वो भी दिखाएंगे, कुछ यहाँ के लोगों ने क्या व्यू पॉइंट दिया है, लेकिन साथ साथ हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनसे भी कॉमेंट जरूर ले लें। पंकज जी, जो हमारे दर्शक हैं या हमारे जो साउथ एशियन पल्स के लिसनर्स हैं, उनकी तो अलग अलग राय है। मैं जब बात करता हूँ रेडियो पे पंकज जी और मनन जी, तो कुछ कहते हैं कि जी इस बार तो किरण बेदी जीतेगी, अब की बार फिर मोदी सरकार, वो तो उसके कुछ नारे लाते हैं, और कुछ कहते हैं अब की बार केजरीवाल। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने, किसी ने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि जी मोदी को कह दो कि वो देश संभालें, दिल्ली जहां तक है जी वो केजरीवाल संभालें। और बीजेपी की तरफ से एक जोक आता है, वो कहते हैं जी लग रहा है कि जी 26 जनवरी को बराक ओबामा भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जिस तरीके से लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, ये तो बातें हैं। ऑन लाइटर नोट में आपसे ये जानना चाहता हूं और फिर आपसे भी जरूर पूछूंगा कि आखिरकार दिल्ली में, आप दिल्ली में रहे हैं, जॉब भी आपने की है वहां पर बहुत देर, और दिल्ली में आपके बड़े सारे दोस्त हैं, तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होगी? किरण बेदी बीजेपी की सरकार बनाएंगे, या फिर लगता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, या फिर अजय माकन आपको लगता है कि कांग्रेस का झंडा लहरा देंगे? युधवीर जी, एक्चुअली मैं दिल्ली रहा हूँ, मैं दिल्ली, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल अभी तक दिल्ली में है, मैं वहाँ पे काम किया है मैंने दिल्ली में, और मैं अभी काफ़ी दिल्ली, ये किरण बेदी आने के बाद मैं काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ उसमें कि कैसे चल रहा है वहाँ पे। मैं काफ़ी अपने फ्रेंड से बात भी कर लेता हूँ आजकल इन दिनों, पूछ भी लेता हूँ। सो जहाँ तक मुझे वहाँ का जो फीडबैक मिल रहा है, बट गए हैं दोनों लोग, कुछ लोग आम आदमी के पार्टी के साथ हैं, कुछ लोग किरण बेदी के साथ हैं। कांग्रेस का अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, या मुझे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कुछ लोग हैं जिनसे बात करता रहता हूँ। किरण बेदी के आने के बाद हुआ क्या है युधवीर जी, दिल्ली में किरण बेदी जी का दबदबा था किसी जमाने में। किरण बेदी वो शख्सियत हैं जो पुराने दिल्ली के लोग हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस लेडी को दिल्ली की हालत सुधारते हुए देखा है। रात को दो दो तीन तीन बजे वो खुद अपने इलाके में, एरियाज में निकल जाया करती थी। वो यहाँ आई हुई थी एक बार किरण बेदी जी से, उनको मिलने का मुझे मौका मिला यहीं पर टोरंटो में। तो उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते थे दिल्ली में, मैंने कहा मैं पश्चिम विहार में रहता था, करती मैं पश्चिम विहार थाने में रात को दो दो बजे करती कह रही थी कि दो दो तीन तीन बजे भी मैं उस एरिया में चक्कर लगाया करती थी, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो गए उस वक्त। सो ये उनकी वर्डिंग थी जब उन्होंने मुझे बोला। सो उनके बारे में दिल्ली में अब एक चीज है जो पीछे हुआ है दिल्ली में, जो फीमेल्स के साथ हुआ है, जो वहां पे इस तरह की घिनौनी हरकतें हुई हैं, उसका बेनिफिट भी अभी बेदी जी को मिल सकता है, क्योंकि वो उनकी इमेज एक ऐसी है उस लेडी हंटर के नाम से टाइप से, या जो भी आप नाम ले लें उनको, वो ऐसी चीज़ों को सुधार सकती हैं, बिकॉज शी नोज कि कैसे करना है, कहाँ पे करना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है किसी ज़माने में, उन्होंने देखा है कि कैसे चीज़ें होती हैं। सो आई डोंट नो कौन जीतेगा इस वक्त, क्योंकि दोनों बराबर के चल रहे हैं, जिनसे भी बात करो आप वहाँ पे और जो आप टीवी पे यहाँ से देख पाते हैं, उसमें यही लग रहा है कि दोनों में से कोई आएगा। कांग्रेस का आई डोंट थिंक सो, कांग्रेस कैन कम हियर, बट इट कैन बी मिस्टर केजरीवाल, इट कैन बी किरण बेदी। मनन जी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि कौन इस बार दिल्ली के दरबार का ताज मिलेगा? बिल्कुल युधवीर जी, दिल्ली इस वक्त सारी दुनिया की निगाह दिल्ली के ऊपर है, क्योंकि किरण बेदी जी के आने के बाद जो सा वन साइडेड एक तरह की वेव लग रही थी आम आदमी पार्टी की, उसमें डेफिनेटली उन्होंने डेंट किया, क्योंकि उनको काम करने का स्टाइल अरविंद केजरीवाल जी का पता है, उन्होंने काफ़ी देर उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान उनके साथ काम किया है। शी नोज व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट आर द यू नो शॉर्टकमिंग्स इन अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। उन्होंने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि एक आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी इसको सिर्फ लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसेंटली पलायन हुआ है यू नो, चाहे वो शाजिया इलमी जी का हो या इवन प्रशांत भूषण जी ने जो यू नो बयानबाजी आई है सारी, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस वक्त दिल्ली के जो से वोटर्स हैं उनको एक चॉइस मिल रही है किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस डेफिनेटली किसी पिक्चर में नहीं है, उन्होंने तो इनफैक्ट जो तीन बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं शीला दीक्षित जी, उनकी पिक्चर फोटो भी किसी कैंपेन मटेरियल में नहीं है। सो उसी से अंदाजा हो सकता है कि दे डोंट वांट टू इवन शोकेस शीला दीक्षित।
सो मेरा ख्याल है कि किरण बेदी जी के नाम, किरण बेदी जी का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है दिल्ली में. उन्होंने क्रेन बेदी के नाम से भी जानी जाती हैं जब वो ट्रैफिक पुलिस सर्विसेज में थी. यू नो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर और उनकी काफ़ी क्रेडिबिलिटी है गवर्नेंस में. और वही वो इस बात की दलील दे रही हैं कि मैं अगर डिबेट करूंगी, मैं डिलीवरी में विश्वास रखती हूं, ना कि डिबेट में. मैं अगर डिबेट करूंगी तो विधानसभा के फ्लोर में करूंगी. सो आई थिंक दिल्ली का वोटर बहुत जागरूक है, दे विल मेक अ वाइज डिसीजन. लेकिन इस वक्त पलड़ा मुझे कुछ किरण बेदी जी का भारी लगता है. मुझे खैर ये डेफिनेटली लगता है द ओपिनियन इज शार्पली डिवाइडेड. हाउ मोर शार्पली कैन इट बी डिवाइडेड जबकि आम आदमी पार्टी के दो फाउंडर मेंबर्स की अगर हम बात करें, नन अदर देन द फादर एंड सन डू ऑफ शांति भूषण एंड प्रशांत भूषण. जहां शांति भूषण ये कह रहे हैं, फादर ये कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल की बड़ी सारी शिकायतें हमें आ रही हैं. वो कहते हैं जी कि इन्होंने टिकट जो देनी शुरू कर दी हैं विनेबिलिटी के मुताबिक देनी शुरू कर दी हैं. आखिरकार क्या हम ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई थी सिर्फ जीत के लिए बनाई थी? वो कहते हैं कि ठीक है जीत हमें ज़रूरी है लेकिन साथ साथ सिर्फ विनेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर हम टिकट्स नहीं दे सकते. लेकिन दूसरी तरफ उनके ही बेटे प्रशांत भूषण वो कहते हैं कि मैं अपने फादर शांति भूषण से एग्री नहीं करता. और उन्होंने कहा है, उन्होंने तो बल्कि किरण बेदी पर सीधा वार कर दिया है कि किरण बेदी इज एन अपॉर्चुनिटिस्ट. शायद इतना सीधा वार तो मेरे ख्याल से खुद केजरीवाल ने अभी तक नहीं किया था. खैर ओपिनियन इज शार्पली डिवाइडेड. लेकिन एक चीज जो अच्छी होती हमें जरूर डेफिनेटली नजर आ रही है इस समय कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि किरण बेदी गलत है, शी इज एन अपॉर्चुनिटिस्ट, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं अरविंद केजरीवाल अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकेंगे. जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं किरण बेदी का पलड़ा भारी है, वो स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है. लेकिन एक चीज जरूर अच्छी होती नजर आ रही है कि शायद साफ सुथरी छवि के जो कैंडिडेट्स हैं वो और ज्यादा आगे आते नजर आ रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेगमेंट जरूर पसंद आ रहा होगा. एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद बातचीत आपके साथ जारी. जे बिना माँ बाप दे बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता ते बच्चा लावारस किवें होया? ए बच्चियां दा माँ ते प्यो हाले जिंदा है, अपने स्कूल दे रजिस्टर विच पक्के तौर ते लिख लो भगत पूरन सिंह. Where do I go for my real estate solutions? Go to the Real Estate Guru. Real Estate Guru? Yes, Remax K. P. K. Sabharwal. He has answers to all your questions. Make the best investment or find your dream home. Let the Sabharwal team help you find exactly what you're looking for. Yaad rahe, real estate ka koi sawal, call Team Sabharwal. 647-299-4757. Oh, Rab ne inada kar banan di duty meri la ditti. Tuhanu e imarat khali karni pegi. Oh, main apne mariza nu sadkaan te rul ke maran layi nahi chhad sakda. Oh, kive khali nahi karega? I won't let them die on roads like this. The least we can do for them is find them a place to live so that they can die with dignity. South Asian 360 देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं. सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं क्रिकेट की, उसके अलावा बातचीत करेंगे कुछ बॉलीवुड की. लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आपको ले चलते हैं. जस्टिन ट्रूडो साहब यहाँ हमारे टोरंटो में पहुंचे हैं, क्या कहने जा रहे हैं और उनके साथ किस किसने मुलाकात की, छोटी सी बातचीत उनके साथ करते हैं. आपने देखी ये हल्की फुल्की गशप, जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा. अगले हफ्ते में एक डिटेल सेगमेंट पेश करेंगे जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर क्या कह रहे हैं, एनडीपी लीडर टॉम मुल्केर क्या कह रहे हैं. और खास हमारा फोकस होगा अगले हफ्ते नॉमिनेशंस के ऊपर और जो नॉमिनेशन कैंडिडेट हैं कुछ उनकी भी बातचीत आपके साथ
जरूर करवाएंगे। और मिसिसागा और ब्रैम्पटन की ये जो 11 राइडिंग्स हैं, इस पर हमारा खास फोकस होगा। खासकर मैं अगर एक किसी भी राइडिंग का जिक्र करूं तो आप डेफिनेटली मानेंगे कि वो इंटरेस्टिंग है। चाहे हम बात करें मिसिसागा माल्टन की, जहां पर के लिबरल पार्टी की तरफ से धुरंधर कैंडिडेट नवदीप बैंस खड़े हैं, और अगर हम बातचीत करें कि कंजर्वेटिव में जो लड़ाई इस समय चल रही है प्रीति लांबा और जगदीश गरेवाल की, तो अगले हफ्ते नॉमिनेशन स्पेशल देखना मत। जितों तो बाद नवदीप बैंस ऑलरेडी लिबरल पार्टी के बड़े स्ट्रोंग कैंडिडेट ने, उत्थे अनाउंसमेंट उन्होंने हो चुकी है। उसे सारे जानते हैं कि जी लिबरल पार्टी के उन्होंने बड़ा नाम है और इस इलाके तो वो बड़ी लंबे समय तो राजनीतिक करियर जरा चला रहे हैं। ठीक है पिछली बार इलेक्शन हार गए थे पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग गिने जाते हैं। तो लगता है कि जी जे तुम नॉमीनेशन जित जाते हैं हो तो उस तो बाद यू कैन टेक ऑन नवदीप बैंस, उन्हें इन्हें जो पावरफुल कैंडीडेट ने उन्होंने हरा सकोगे? बिल्कुल डेफिनेटली, जिवें तुसीं कह रहे हो कि भी ओह स्ट्रोंग है, मैनूं नहीं समझ आ रही तुसीं किस एंगल तो कह रहे हो स्ट्रोंग है। मैं सच्ची गल दसां, इट बी गुड, इट्स गुड डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया है जे दो बंदे जे तीन बंदे अग्रेसिवली कैंपेन करदे आ, चंगी गल आ, क्योंकि फिर वोटरां दी कदर आ, प्लस दूजी गल आ अपना मैसेज असीं पहुंचाउंदे आ। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव अ गुड लीडर। वेलकम बैक, हम बातचीत करते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट की। जहाँ तक इस समय ट्राई सीरीज का मामला है, इंडिया का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बॉलर्स भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। एक बार सवालिया निशान फिर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी इस वर्ल्ड कप टीम पर है। क्या इंडिया का अगर यही प्रदर्शन रहा तो क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगा, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अहम जो खबरें आ रही हैं ऑन द फील्ड से ज़्यादा ऑफ द फील्ड से जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा अहम नज़र आ रही हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी आपके ऊपर हम बैन लगाते हैं, रोक लगाने की बात की जा रही है कि आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, या फिर आप चेन्नई सुपर किंग्स में या जितने भी आपके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं आप उनको खारिज कर दें। क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इंडियन क्रिकेट में जो ये लगातार घपले धांधलियां या करप्शन या इस तरह के जो एलिगेशंस लगातार लग रहे हैं, क्या ये एलिगेशंस लगने बंद होंगे? आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग, इस तरह के भी बहुत सारे एलिगेशंस लगते चले आए हैं। बहुत सारे अहम सवालिया निशान राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा पर भी खड़े किए गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे सवाल और भी के लोगों पर खड़े किए गए हैं। एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एन श्रीनिवासन को हटा देने से सारा मामला सुलझ जाएगा, क्या क्रिकेट बदल जाएगी? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स का या क्रिकेट एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर अच्छे क्रिकेटर्स को मौका दिया जाए तो हालात बदल सकते हैं। मेरा भी यही मानना है कि जब तक हम सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विवेक लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इन जैसे लोगों को, कपिल देव जैसे लोगों को आगे नहीं लेकर आएंगे जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, हाँ इनमें से आप चुनिए कि अच्छे क्रिकेटर कौन है। अगर आप संदीप पाटिल को चेयरमैन बना रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का तो आखिरकार संदीप पाटिल को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। अगर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह चलता रहेगा तो शायद मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। क्रिकेट पे जो जोक इस समय चल रहा है, मेरे फिर बात सुनाऊंगा, हमारे एक लिसनर का बड़ा अच्छा कमेंट आया था, क्योंकि साउथ एशियन पल्स पर अक्सर क्रिकेट की हमारे रेडियो शो में बात होती रहती है। तो हमारे एक लिसनर है गुरुदेव सिंह, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, और युवराज सिंह को तो ये घर पर छोड़ गए, हरभजन सिंह भी इस बार नहीं है इनके साथ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी एक लकड़ी का वर्ल्ड कप बना के घर ले आए, और तो कुछ मिलने वाला नहीं है इनको। लेकिन दिस वॉज ऑन अ लाइटर नोट, मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन टीम में पोटेंशियल है, बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इस समय अच्छी नहीं नजर नहीं आ रही। मैं आप दोनों से जरूर जानना चाहूंगा, मनन जी पहले आपसे, कि जी क्या लगता है कि इस बार जो इंडियन क्रिकेट टीम है प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा, लगता है कि वर्ल्ड कप घर लेकर आएंगे कि नहीं? बिल्कुल युधिष जी, इस वक्त जो यू नो परफॉर्मेंस इंडियन टीम की है यू नो डाउन अंडर, वो डाउन अंडर ही है, यू नो टाई टाई फेस हो रही है, क्योंकि टेस्ट मैचेस की दो हम मैच हार गए, सीरीज हार गए, जो दो पहले वनडे थे वो भी हार चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि इस टीम में वो वर्ल्ड कप जीतने की क्षमता है। यू नो वी हैव टू, वी आर डिफेंडिंग चैंपियंस, मुझे लगता नहीं कि वी विल बी डिफेंडिंग इट प्रॉपरली। युधवीर जी, अगर आप जो बोल रहे थे, जिन लोगों की कमी खल रही है वो वाकई खल रही है एक्चुअली इस सिचुएशन में, और आई डोंट थिंक सो इस वक्त की इंडिया कहीं पे आ रहा है अगर वैसे देखा जाए कि वो वर्ल्ड कप ला सकता है, जिस तरह की हम एवरेज टीम लेके गए हैं या जिस तरह का उनका प्रदर्शन अभी चल रहा है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जाके खेल पाएंगे इस तरह से जिस तरह से खेल रहे हैं, या वो साउथ अफ्रीका के जैसी के साथ लाइक किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया आपकी बार वर्ल्ड कप लेके घर आ सकता है। और अब रुख करते हैं सीधा बॉलीवुड की गपशप की तरफ। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स की। 31 जनवरी को फिल्म फेयर अवार्ड्स होने जा रहे हैं। किसको मिलेंगे फिल्म फेयर अवार्ड्स? आप देखिए कि नॉमिनेशन किस किस को मिली है, बेहतरीन फिल्में कौन सी थी 2014 की, और फैसला आपके हाथ है किसको मिलना चाहिए फिल्म फेयर अवार्ड।
The 60th Filmfare Awards 2014 will be held on January 31, 2015 in Mumbai. Recognizing the best talent in the industry, the 60th Filmfare Awards is all set to roll out the red carpet. Let's take a look at the nominations. Alia Bhatt and Arjun Kapoor star a romantic comedy Two States is leading the 60th Filmfare Awards with 7 nominations. Followed by Kangana Ranaut's comedy drama Queen, which has been named in 5 different categories. Two States has been nominated in various categories including Best Film, Best Director, Best Actor in a Supporting Role Male, Best Actor in a Supporting Role Female, Best Music and Best Playback Singer Male. On the other hand, Kangana's Queen stands a chance to win in categories including Best Film, Best Director, Best Actor in a Leading Role Female, Best Actor in a Supporting Role Female and Best Music. Apart from Queen and Two States, the Best Film category includes Mary Kom, Heather and PK. And now let's talk about Best Actor and Actress category. Despite striking gold at the box office with Kick and Happy New Year, Bollywood's leading Khan, Salman and Shah Rukh have been neglected in the Best Actor in a Leading Role category. However, Aamir Khan is nominated for his comedy drama PK alongside Akshay Kumar, Hrithik Roshan, Randeep Hooda and Shahid Kapoor. On the other hand, actresses Alia Bhatt, Kangana Ranaut, Madhuri Dixit, Priyanka Chopra, Rani Mukherjee and Sonam Kapoor are competing for the Best Actress trophy. अब बात करते हैं छोटे पर्दे की। शाहरुख खान ने कहा है कि मैं भी आ रहा हूँ छोटे पर्दे पर। दोबारा आ रहे हैं छोटे पर्दे पर। अरे भाई जब कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन छा रहे हैं, सलमान खान बिग बॉस में नजर आ रहे हैं, तो शाहरुख खान कैसे पीछे रह सकते थे? शाहरुख खान ने कहा है कि आप मेरा ये शो जरूर देखिए। कौन सा उनका शो? जबरदस्त लॉन्च है उनका। Superstar Shah Rukh Khan returned to the small screen with a bang. He will host India Puchega Sabse Shana Kaun, a game show adapted from the Who's Asking international format. The show will air on NTV, a new Hindi general entertainment channel launched by Zee Group. Looking his charming self, Shah Rukh took media persons present at the launch through the show's format. Aaj jo show hai, India Puchega Sabse Shana Kaun, iske andar थैंकफुली मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा इस शो के बारे में बताने के, कि इसके जो सवाल हैं वो आम आदमी पूछेगा, यानी आप और मैं, सड़कों पे लोग हैं, स्कूल में जो लोग हैं, जहां पर भी। और ये थैंकफुल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एन टीवी की जो टीम ये शो बना रही है उनको हेल्प कर रहे हैं आई थिंक नहीं, मुझे यकीन है, मेरी दूसरी फैमिली, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बहुत अजीज दोस्त, और इंडिया में शायद ही और दुनिया भर में शायद ही उनसे अच्छा कोई शो बनाता है, बिग सिनर्जी वाले सिद्धार्थ और रोजा और उनकी सारी जो टीम। और थैंकफुली सिद्धार्थ बासु जो हैं सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके जो सवाल होते हैं बहुत अतरंगी, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। आम आदमी पूछेगा, सिंपल सा आदमी पूछेगा तो अच्छे से सवाल होंगे। और जवाब कौन देगा? जवाब भी आम आदमी देगा, लेकिन हम उसको बोलते हैं शाणा। शाणा, मैं मुंबई में नया हूं तो मुझको बताया गया है शौना वो होता है जो बोलता है साइड में 250 ग्राम हवा अंधे पतली गली पकड़ कान के नीचे दूंगा तेरे को, वो वाला शाना नहीं। हमारा जो शाना है, हमारा शाना वो है जो शान से हर बात करता है, शान से जीता है, शान से खेलता है, शान से समझता है कि उसको सब कुछ आता है, और अगर नहीं भी आता तो शान से मानता है कि उसको सब कुछ आता है, वो शाना होता है। और सवाल होंगे कॉमन मैन के उनसे, और हर किसी कॉमन मैन को हमारे शो पर आकर ये मौका मिलेगा अपनी शानपट्टी दिखाने का। शाहरुख इवन गेव अ ग्लिम्स इनटू द शोज़ फॉर्मेट बाय प्लेइंग इट लाइव विद मीडिया पर्संस। वॉच इट हियर। यहां पर कॉमन लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि आम आदमी जो है आएगा यहां पर और आपको मौका मिलेगा, जैसे तस्वीरें जा रही हैं, इनमें से किसी भी इंसान को चुन लो, ये बाबा जी को चुन लो, ये बेबी को चुन लो, ये दूसरी वाली बेबी को चुन लो, ये वाले लड़के को चुन लो जो बड़े रिलीजियस लग रहे हैं, तो इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं आप। जो यहाँ पे लोग आएंगे ये आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना, बड़ा सिंपल सा है, रोजमर्रा की जिंदगी से सवाल होगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इनमें से उर्वी एंड गौरव किसको चूज करना चाहेंगे? सरदार जी हैं, ये पहलवान साहब टाइप लग रहे हैं मुझको, ये मेरे घर के सामने बैठी हुई है। नहीं, आप लोग डिसाइड कर लो, थोड़ा उधर मुंह देखो, यार शक्ल दिखाओ, नहीं तो टीवी पे नहीं आओगे तुम दोनों, लास्ट चांस है तुम्हारा टीवी पे आने का। यहाँ खड़े हो, अभी चूज करो। तुम्हें लगता है आसान सा सिंपल सा सवाल पूछेंगे?
शाना तो बनना है ना? हाँ तुम्हें शाना बनना है। और भी तुम्हें क्या लगता है चॉइस ठीक है कि इसके बाद गौरव से बात नहीं करोगी सवाल सुनने के बाद? नहीं वो तो पिटता रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है उसके। उसका है ऐसा, गलती करता रहता है ऐसा। तो देखते हैं कि जो हैप्पी गो लकी सरदार जी हैं इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। कैन वी हियर द सरदार जी? और ऐसा ही होगा गेम के अंदर कि ऐसे ही कॉमन लोग, और ये जेन्युइनली कॉमन लोग रैंडमली पूरे इंडिया में सिद्धार्थ और उनकी टीम ने, बिग सिनर्जी की टीम ने और एन टीवी की टीम ने ऐसे ही जा जाके लोगों से सवाल पूछे, और कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकता है और उसका जवाब हमारे जो शान पट्टी दिखाने के लिए आए हैं उनको देना पड़ेगा। सरदार जी की इंट्रोडक्शन दें, कुछ बताएं अपने बारे में। सरदार जी कितने हैप्पी गो लकी हो? सत श्री अकाल सर, मुझे आपका नाम बताइए, आप कहाँ पर रहते हो और आप क्या करते हो? मेरा नाम प्रकाश सिंह जेठुवालिया है, मैं आरसपुरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक के गांव हैं कलोई, मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे इन दिनों फायरिंग वगैरह चलती है, और अभी मैं टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी चलाता हूँ। ओके, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में था, पंजाब रेजिमेंट 26 पंजाब मेरी यूनिट का नाम था। आपका सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल है हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन में जय हे कितनी बार आता है? ओहो हो, तुम्हारे ऑप्शन है हमारे राष्ट्र गान में जय है कितनी बार आता है? तुम्हारे ऑप्शन है 8 या 6 बार? 6। सॉरी डिसाइड कर लो एक, 8 की 6 की 7 कर ले, मांडवली कर लो। हालांकि 7 चॉइस में नहीं है बिल्कुल भी, वहां से लोग बोल रहे हैं 8, आप बोल रहे हो 6, क्या लगता है बताओ मुझे? ऐसा कैसे 8? अच्छा सब्जी खरीदने के, हाँ ले लो ठीक है, दाल दे दो थोड़ी सी। और भी फाइनल डिसीजन, क्योंकि तुम्हें बुलाया था, बिजनेस स्टैंडर्ड से हो, कैलकुलेट करो जल्दी से बताओ 8 कि 6। और मैं तुम्हें बताऊं अगर तुम सही जवाब दोगे और शाने बनोगे तो तुम्हें मैं गिफ्ट हैंपर भी दूंगा। मैंने बोला तो 6। ही इज सेइंग 6, व्हाट डू यू वांट टू से फाइनल आंसर क्विकली? She counted 8. But I'm just wondering if I should just trust him. अगर गलत आंसर हुआ तो तुम्हारी दोस्ती में खलल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं वो तो मैं पीठ पाट के तो I told you ना it's okay. पीठ ठीक है, पाट क्या होता है? डिसाइड करो आंसर दो फटाफट गौरव उर्वी। अच्छा अगर नहीं भी, अगर गलत जवाब भी दोगे कि पहला शो है, पुनीत है, जी है, एन टीवी है, सिद्धार्थ है, तो मैं गिफ्ट हैंपर वैसे भी दे दूंगा। चलो 8 की 6। हेल्प कर दो यार इनको, बोल दो प्लीज, बता दो यार। Well, it's a big reflection upon the Indian-ness of Indians. That is why I didn't want to take a chance and I wanted him to decide. Oh, so happy go lucky, happy go lucky. बच्चे से पूछ लेता। Okay, final answer. 6. 6 and 6 is the right answer. Very well. ये अच्छी बोल रहा था। 8 कौन बोल रहा था पब्लिक में से? Okay. नॉर्मली शो में ऐसा होगा सरदार जी खुद हमको आंसर बताएंगे, तो हैप्पी गो लकी जी। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है जया है जया है जया है 6 बार आता है। तालियां 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 तालियां। इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन इज प्रोड्यूस्ड बाय बिग सिनर्जी एंड विल बी एयर्ड ऑन एनटीवी इन मार्च। The 49-year-old who started his showbiz career from TV itself via fiction shows like 4G and Circus has previously hosted reality shows like Kaun Banega Karorpati, Kya Aap Panchvi Paas Se Tez Hain and Zor Ka Chhatka. He was also seen as a judge on Dil Se Naache India Wale, which was brought to TV for the promotion of his film Happy New Year last year. अब बातचीत करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे की शादी की। शादी का ये मुबारक मौका था और वहां पर पहुंचे नन अदर देन नरेंद्र मोदी, और सोनाक्षी सिन्हा भी बड़ी खुश नजर आई। नरेंद्र मोदी के आने पर भी खुशी मना रही हैं सोनाक्षी सिन्हा, और साथ साथ ये भी कह रही हैं कि मेरी भाभी बड़ी अच्छी है। एक्टर एंड बीजेपी पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा सन खुश वेडिंग रिसेप्शन वॉज हेल्ड इन मुंबई लास्ट नाइट। And it was attended by Bollywood's A-listers including Amitabh Bachchan, Southern superstar Rajnikanth and Rishi Kapoor among others. Not only from Bollywood but people from politics also marked their presence at the reception. This includes Maharashtra CM Devendra Fadnavis, MNS Chief Raj Thackeray among others. Watch who all attended the reception here.
Sonakshi Sinha's elder brother Kush tied the knot with Taruna Agrawal in a lavish wedding on January 18. That was attended by Prime Minister Narendra Modi. INS report. Sonakshi Sinha's brother Kush Sinha's wedding to NRI Taruna Agrawal ended with a reception in Mumbai on Jan 19. On the guest list were some of the Shatrughan Sinha's closest friends. From the Bollywood family, this included the Bachchans, Kajol, Neetu and Rishi Kapoor and South Indian superstar Rajinikanth. India's Prime Minister Narendra Modi fails to join the reception but marked his presence at the wedding on January 18. After Arpita Khan's wedding last year, this is the second big star sibling wedding to take over the internet. Watch Sonakshi Sinha's first reaction on her new sister-in-law. भाई जब पॉलिटिशियन बॉलीवुड शादी में आएंगे तो कुछ तो डर्टी पॉलिटिक्स होगी जी. नरेंद्र मोदी के आने से कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं हुई. हम बातचीत कर रहे हैं आने वाली फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स की. इसमें हम बता दें कि मलाइका शेरावत हैं, उसके अलावा ओमपुरी हैं और ज़बरदस्त ट्रेलर लॉन्च हुआ है. Actress Mallika Sheravat launched the music of her upcoming film Dirty Politics in Mumbai on Tuesday. The actress took to the stage and performed on a dance number from the movie. It seems she grooved to Ghagra. Dirty Politics is about the Bhavri Devi sex scandal. Mallika, आप off screen, on screen, दोनों ही जगहों पे बहुत बेबाक और बिंदास दिखती हैं. फिल्म है Dirty Politics, पॉलिटिक्स को बड़ा डर्टी तरीके से दिखाया गया, रियल स्टोरी है. लेकिन अभी पिछला जो सिनारियो है पॉलिटिक्स का, बड़ी सारी महिलाएं जो हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल हैं, वो एंट्री कर रही हैं पॉलिटिक्स में. तो रियल में अगर आपको पॉलिटिक्स में इनविटेशन आता है, बिकॉज आप भी बहुत बोल्ड और बिंदास हैं, कैपेबल हैं, तो क्या जाएंगी आप? अगर मोदी जी मुझे फाइनेंस ये फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं, बोलते हैं कि आपको हम फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, तो मैं ज़रूर जाऊंगी. और मुझे लगता है पड़ोसियों से हमारे रिलेशनशिप जो है ना इंडिया की, उसमें भी सुधार आ जाएगा. नहीं, लेकिन वहाँ भी डर्टी पॉलिटिक्स होगी तो करेंगी? पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, डर्टी भी होती है. नहीं, आप क्या करेंगे? I will do clean politics. Oh my God. Because I don't believe in dirty politics. And I think not only me, every citizen of this country, when he or she gets a chance, should strive to do clean and clean politics for a better India, for a better tomorrow. It features Om Puri, Nasiruddin Shah, Anupam Kher, Jackie Shroff, Ashutosh Rana and Rajpal Yadav. पंकज जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच शिरवीर जी. और मनोज जी, आपका भी प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच युधि जी फॉर हैविंग अस. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा. हमारी गुजारिश है कि मिडवीक न्यूज़पेपर की एक कॉपी लेकर जरूर पढ़ा करें. हमारा रेडियो प्रोग्राम साउथ एशियन पल्स AM 770 पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक. हमारी वेबसाइट एक बार फिर से ध्यान से नोट कर लीजिए, southasiandaily.com. और आप ये वीडियोज ऐप के जरिए भी देख सकते हैं. वाई मीडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वाई मीडिया के ऐप में आपको ना सिर्फ हमारे ये सारे वीडियोस दिखेंगे, इसके अलावा मिडवीक न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं और साथ साथ साउथ एशियन पल्स रेडियो जो है वो भी सुन सकते हैं. हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे फेसबुक पेज southasiandaily.com को ज़रूर लाइक करें
और साथ साथ जो हमारा साउथ एशियन 360 यूट्यूब चैनल है उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। यदुवीर जायसवाल को यहीं इजाजत दें, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा।